14 निशान पद यात्री और 4 सेवादार भी शामिल हुए। तिलक मार्ग स्थित श्री श्याम मंदिर पर पूजा अर्चना के बाद रवाना हुए। पदयात्रा ढोल धमाकों के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गुजरे। ये निशान यात्रा 3 मार्च को खाटू श्याम पहुंचेगी। यात्रा के दौरान प्रतिदिन यात्री 30 से 35 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। यात्रा में मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान के यात्री भी आगे से शामिल होंगे। देखिए श्याम युवा मित्र मंडल भीलवाड़ा के तत्वाधान में ये 4 वर्षों से निरंतर पदयात्रा निकल रही है। नीमच से हमारी एक शाखा है, तो नीमच से 14 सदस्य अभी चतुर्थ निशान पदयात्रा में शामिल हैं और बाकी के जो हैं कुल टोटली ही लमसम 31 निशान है। आगे 50 से फिर 51 हो जाएंगे, तो सारे मिल मिला के मतलब टोटल 51 निशान 50 से मिलकर होंगे। और रही बात ये है कि जग कल्याण के लिए हम ये यात्रा निकालते हैं और बाबा का प्रचार प्रसार आगे बढ़ता रहे, निरंतर रहे और उनके चमत्कार हमको देखने को मिलते ही रहेंगे। देखिए अभी ये नीमच से तो 14 दिवसीय है और भीलवाड़ा से हमारी 11 दिवसीय, ये 3 तारीख को हम निशान वहाँ पे बाबा को अर्पण कर देंगे और 3 तारीख के बाद में फिर 4 तारीख को हम प्रातःकालीन सालासर दरबार के लिए निशान लेके जाएंगे और शाम को निशान सालासर वाला जी। ये था अब तक का अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।